हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 4 में कंपाउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यौगिक के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 3 में विभिन्न प्रकार के तत्वों के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस which formed by chemical combination yani rasayanik sanyog combination of टू और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट in definite proportion yani samanupat mein by weight and its constituent elements cannot be separated by simple method. यानी यौगिक जो है एक प्रकार का पदार्थ है जिसका निर्माण रासायनिक संयोग के द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के मिलने से होता है जो निश्चित अनुपात में समानुपात में होते हैं और उनका भार भी निश्चित होता है, जिससे यौगिक का निर्माण होता है। यानी यौगिकों के अवयवी तत्वों को साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, मेथेन, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं यौगिक के। कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड
इंटू टू ग्रुप्स नंबर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन और ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बारी बारी से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक यौगिक, वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित ना हो उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। दोनों के एग्जाम्पल के ऊपर विचार करते हैं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के उदाहरण है एग्जाम्पल NaCl, CaO, MgCl2 या MgO, NaOH, KOH, etc. ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है कार्बनिक यौगिकों की है। दुनिया में तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा कार्बनिक यौगिक हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल इसके रखते हैं। ये है मेथेन, पहली बार खोजा गया था। यूरिया, मेथेन सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4, CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, मेथेन क्लोरोफॉर्म, CH3OH यानी मेथेनॉल, C6H6 यानी बेंजीन, C6H5OH यानी फिनॉल। ये सारे के सारे जो हैं कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे मिक्सर के बारे में। तो अब देखते हैं मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि एक प्रकार का होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ये जो है ये एक प्रकार का होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सर का डिफिनेशन क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको मिश्रण कहते हैं, जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिक्सर। ए मिक्सर is a combination of
कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टांस सबस्टांसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें दोनों तत्वों के जो दोनों पदार्थ हैं उनके गुण विद्यमान होते हैं उपस्थित होते हैं। और इन्हें सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हम बालू लेते हैं और लोहे का बुरादा लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, एक चुंबक लेकर के जाएंगे और जैसे ही मिश्रण के अवयवों के ऊपर रखेंगे जितने भी लोहे के कण होंगे वह चुंबक से चिपक जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा और बालू अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा जो है हम मिश्रण के अवयवों को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स नंबर एक होमोजीनियस मिक्सचर, मिश्रण जो है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं समांग मिश्रण, जैसे हम शरबत बनाते हैं, शरबत जो है चीनी और जल का मिश्रण है, ये समांग मिश्रण है, नमक और जल का मिश्रण समांग मिश्रण है, लेकिन लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण विषमांग मिश्रण है। तो पहले का नाम है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी समांग मिश्रण। पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर ये होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉलिड यानी ठोस लिक्विड और गैसियस मिक्सचर दैट हैज द सेम प्रोपोर्शन of its components throughout any given sample. Thank you.
समांग मिश्रण जो है ए होमोजीनियस मिक्सर इज ए सॉलिड लिक्विड और गैसियस मिक्सर दैट हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स थ्रू आउट एनी गिवेन सैंपल। दो या दो से अधिक पदार्थों वो जब समान अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे हमने शरबत के बारे में आपको बतलाया कि चीनी और जल को मिलाया, तो बर्तन के जिस भाग से भी हम उस मिक्सचर को चखते हैं तो वो मीठा लगता है। मतलब सभी जगह चीनी और जल के अणु जो है फैल जाते हैं। अब चीनी कहाँ जाता है, तो चीनी वाटर के जो H2O के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें चला जाता है। अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ना ऊर्जा निकलती है और ना ऊर्जा ली जाती है, जबकि कंपाउंड जब बनता है तो उसमें ऊर्जा या तो निकलती है या ली जाती है। अगर ऊर्जा निकलती है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, अगर ऊर्जा ली जाती है तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में इसके बाद वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज और मिक्सचर के प्रॉपर्टीज के अलावे कुछ डिफिनीशन आपको के बारे में जानकारी देंगे। अभी हम लोग देखते हैं समांग मिश्रण के बाद जो है दूसरा हमारा एग्जाम, दूसरा है विषमांग मिश्रण। इसका एग्जाम्पल जो है ये है हवा यानी एयर, सी वाटर समुद्र का जल, जहां से चखिए नमकीन लगेगा, स्लाइन सॉल्यूशन यानी नमक का घोल, अलॉय यानी मिश्र धातुएं, शुगर प्लस वाटर यानी मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर यानी चीनी और जल का मिश्रण, ये जो है इसके उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दूसरा नंबर है विषमांग मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांग मिश्रण, इसके बारे में हमने आपको पहले ही लोहे के बुरादे और बालू का जो मिश्रण है वो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, विषमांग मिश्रण। देखते हैं इसके बारे में, ए हेट्रोजीनियस मिक्सर मिक्सर ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स हुज प्रोपोर्शन हुज प्रॉपर्टीज whose properties vary throughout the sample, अलग अलग होता है, दोनों का गुण अलग अलग होगा, vary throughout th
थ्रो आउट द सैंपल। एग्जाम्पल इसका होगा, मतलब विषमांग मिश्रण उस प्रकार का मिश्रण है जिस में जो उसके अवयवी पदार्थ हैं उसके गुण जो हैं अलग अलग होते हैं। जैसे नमक को अगर हमें कहा जाए, नमक और बालू के मिश्रण को मिला दिया गया और कहा जाए कि नमक को अलग करो, तो हम क्या करेंगे? सिंपली बालू और नमक के मिश्रण को लेंगे और उसे जल में डुबो देंगे। क्या होगा? नमक जल में घुलनशील है, बालू नहीं है। अब पानी को छान लेंगे, पानी को छान करके बालू को अलग कर देंगे। अब पानी को उबालेंगे, उबाल देंगे, पानी भाप बन करके उड़ जाएगा और नमक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण विधियों के द्वारा हेटरोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा सैंड एंड आयरन, सैंड एंड बालू और लोहे का मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल सैंड एंड साल्ट, बालू और नमक का मिश्रण। ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी को मिलाइए। तेल क्या होता है? पानी के सतह पर आ जाता है, नहीं मिल सकता है। ऑयल एंड वाटर, ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर के हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक हम देखते हैं, यहीं तक हम आपको बताते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग तत्व के गुण, यौगिक के गुण, मिश्रण के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।